जब तुमने मुझसे कहा है सनमीना, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे संकेत चल गया है सनमीना। और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हम ऐसी जगह जा रहे हैं अंशु जहाँ पहली बार जाएगा, और हम लोग काफी बार जा चुके हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम वहाँ पहली बार तीनों मिले थे। ये पता है तुम्हें मोहित? Yeah. हम आपको वहां लेके जा रहे हैं जहाँ पे हम तीनों पहली बार मिले थे। Are you excited? Yes. मैं भी excited. तुम भी excited? बहुत समय बाद जा रहे हैं। तो हम जहाँ पहली बार मिले थे वहाँ पे हम जा रहे हैं, और कई लोग भी मिलने वाले हैं, और फिर हम आगे भी जाने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्या कह रहे हो? देख रखा है, आप पता चलेगा आपने देख रखा है। अंशु गाना सुना दो, गा के सुना दो, याद कर लो। चलो कर दो, कोई एक गाना सुना दो ना जो तुम्हारे लगा ले, फिर याद आ जाऊंगा। अच्छा मैं बताऊं कौन सा गाना? अंशु बताऊं तेरे को फेवरेट गाना है? अंशु ने रात में मेरे तक कहानी सुनाई थी बीमा की, छोटे बच्चा बीमा, उसको स्कूल में पढ़ने नहीं देते थे, फिर वो दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी बन गया। अंशु रात में सुनाई थी ना आपने मेरे तक कहानी? इसको आती है। पहचानो अंशु। मोहित अजरा कहाँ गए तुम लोग? वहीं जहाँ के लिए निकले थे। देखो अंशु ये इधर लेफ्ट में दिख रहे हैं ये यस ये हमारा कॉलेज है। और कितनी भी कोशिश करना, लाल कलर का है, एडमिशन का भी मत लेना, लेकिन इसमें तो लेगा नहीं आंसर। ये है जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, आगे भी लगा सकते हैं। ये जो है ना इधर पे, अरे ये वाला जो है ना हमारा कॉलेज। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये देखो हमारा कॉलेज है जाकिर हुसैन कॉलेज, पढ़ाई करी थी है ना, ऐसे ही करते रहते हैं। आ जाओ अंशु यहाँ पे, लेकिन ना बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आईडी कार्ड चेक कराओ, और वरना यहाँ ऐसे गेट पास बनेगा जैसे वीज़ा लेना होता है वैसे। तो हम लोगों को बस एक इसकी यही चीज़ अच्छी लगती थी, अदरवाइज़ पढ़ाई के मामले में तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है। कैसे हैं? अच्छा काम है ना यार, ये ड्रेस सेम से मत क्या बना। चलो देर कैसे हैं? चलते हैं, अभी तो पहन के आ गए हम लोग। आगे बैठ तो आप कहीं बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ जहाँ मानो। चलो भाई पीछे वाले रास्ते से निकाल ले मैं। क्या पी रहे हैं तुम? बेल पत्थर का जूस ये बन गया इसमें। लो
30 का नहीं था, 20 का था। अच्छा कैसे लगा अंशु? अच्छा चलो क्या हुआ चलाएंगे। क्या निकाल रहे हैं सर? तेरे कपड़े छोड़ देना, हम ले लेंगे। घर आ गया यार, घर आ गया अंशु, अंशु घर आ गया। चलो ये चम्मच से ना हमसे बनता नहीं, सबसे बढ़िया हाथ से है ये। मैं थोड़ा खाऊंगा। ऐसे आओ तो सही में। ये देखो अंशु घर पहुंच गया है। अंशु वापस चलोगे? वापस चलोगे? वापस चलोगे? घर पे रुकोगे? अंशु अभी घर पे ही रुक रहा है। अंशु घर पे रुकोगे? मैं जाऊं? मैं जाऊं? चलो बाय। जय भीम। बाय बाय। अभी वहाँ पर आ गए हैं जहाँ हमें आना था। और अच्छा अभी ये चल रहा है, ये देखिए। पिछले साल से हमने बाबू मंदिर राम सोहरा जी की याद में ये पत्रकारिता अवार्ड का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसको हम हर साल इसी संदर्भ में। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर लक्ष्मण यादव से कि वो भी मंच पर आए, वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। साथी सुमित चौहान जो श्रमजीवी पत्रकार है, हमेशा संघर्ष में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बात कहते हैं। आप दोनों को ग्रेट ग्रेट फीलिंग और करनाल का इतना सारा सम्मान। और तो मैं हरियाणा में बात कर रहा था, दूसरा बाबा साहब और फुले साहब के सम्मान में, तीसरा मुझे मेरे पत्रकारिता के वजह से एक अवार्ड मिला, तो दैट इज रियली नाइस। हमें भी मजा आया सुन के।
बहुत बहुत शानदार। और आज आज के कार्यक्रम में मैंने बहुत अरसे बाद देखा सुमित अपने रो में बोले, बहुत शानदार बोला। आप लोग इनके यूट्यूब चैनल पर देखिएगा, वो यूट्यूब उस पे मिलेगा, न्यूज वाले चैनल पे। मैंने बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए सारे लोग पीछे देखिए बातें कर रहे हैं, हमने चाय नाश्ता पानी सब किया, बहुत मजा आया और हमारा पेट भी भर गया है। अभी अब हम यहाँ से जाएंगे क्योंकि रात हो गई है, हमें टाइम लगेगा जाने में। हमारे यहाँ गगरी बोला जाता है, आधे जल गगरी छलकत जाए। बहुत गर्मी होती है, ठंडे पानी से बहुत आए। चलिए देखो नीचे, चलो खाना खाने में भूख लगी है, भूख लगी है। एक मिक्स वेज, एक दाल मखनी और एक जो है वेज पुलाव। एक बाल्टी दाल खा जाओगे आप? नहीं, आप एक बाल्टी दाल खा जाओ। ये देखिए यहाँ तक है। अच्छा, और उसके बाद ये देखिए। इस व्लॉग में इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। बाय बाय।